बानसूर पीजी कॉलेज, बानसूर, बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी। महासागरीय जल के अंदर जैसे लहरें, तरंगे, धाराएं, ज्वार भाटा इत्यादि गतियां होती हैं, तो आज अपन महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। ये महासागरीय धाराओं का अध्ययन न केवल ज्योग्राफी विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, बल्कि कंपटीशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले महासागरीय धारा की परिभाषा की बात करेंगे अपन। तो परिभाषा, सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। मोंक हाउस के अनुसार धारा की जलराशि का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है। धाराओं के लाभ भी होते हैं। आर्थिक लाभ के रूप में यदि देखते हैं तो महासागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं। दूसरा, बंदरगाहों की स्थिति इनके द्वारा अनुकूल बनती है। तीसरा, पृथ्वी पर तापमान का संतुलन या जलवायु को भी प्रभावित करती है। धाराओं के प्रकार तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, उष्ण और ठंडी धाराएं। उष्ण धारा के उदाहरण के रूप में गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी क्यूरोसियो धारा, ब्राजील धारा। ठंडी धारा के रूप में लेब्राडोर, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, कनारी इत्यादि। धाराओं की गति, आकार, दिशा के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला ड्रिफ्ट, जिस हिंदी में प्रवाह कहते हैं, धारा करंट, विशाल धारा स्ट्रीम। जो प्रवाह होती है ड्रिफ्ट होता है, इसमें पवन, जब पवन वेग तथा दिशा से प्रवाहित होकर सागरीय सतह का जल मंद गति से आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। इसमें केवल सतह का जल ही गति करता है और इसकी गति मंद होती है। धाराएं निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है, उसे धारा कहते हैं। उदाहरण क्यूरोसियो, पीरू, बेंगुला धारा इत्यादि हैं। प्रवाह की अपेक्षा धारा की गति अधिक पाई जाती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती विशाल धारा स्ट्रीम कहते हैं। एक ही धारा के साथ स्ट्रीम शब्द लगा हुआ है, गल्फ स्ट्रीम। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है। उदाहरण के लिए खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। महासागरीय धाराओं के कारकों को दो वर्णों में विभाजित किया गया है। एक तो धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा है धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। धाराओं की उत्पत्ति के कारकों को तीन वर्गों में रखा गया है। पहला इसमें पृथ्वी परिभ्रमण गति, दूसरा महासागर संबंधित कारक है, तीसरा है बाह्य सागरीय कारक। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण सागरीय जल द्रव अवस्था में होता है और वो पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है, पीछे की ओर छूट जाता है, जिसके कारण उस सागरीय जल के अंदर पूर्व से पश्चिम की ओर गति होने लग जाती है, जिसे धाराओं की उत्पत्ति होती है, विशेष रूप से विषुवत रेखा की धाराओं की उत्पत्ति। लेकिन कुछ जल पृथ्वी का साथ दे देता है, पृथ्वी गति का साथ दे देता है, तो उसके कारण प्रति विषुवत रेखा की धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब इसमें दो बल कार्य करते हैं, कोरियोलिस बल और एक मेन स्पायरल। तो कोरियोलिस जो बल है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध की जो धाराएं हैं वो तो दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जो धाराएं होती हैं वो बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा, महासागरों से संबंधित कारक है। इसको में तीन कारक सम्मिलित किए गए, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता। जैसे कि पहला जो तापमान में विभिन्नता है, इसमें अपन अध्ययन कर चुके हैं कि सागरीय भागों में या स्थलीय भागों के अंदर सभी जगह पर तापमान की प्राप्ति समान नहीं होती। कहीं पर अधिक तापमान की प्राप्ति होती है तो कहीं पर कम तापमान की प्राप्ति होती है। तो विषुवत रेखा के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक लंबवत रहने के कारण तापमान की प्राप्ति अधिक होती है। जब तापमान की प्राप्ति अधिक होती है तो यहाँ का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल का घनत्व कम होता है। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होती हैं, तिरछी होने के कारण तापमान की प्राप्ति कम होती है, इसलिए वहाँ का जल ठंडा रहता है।
अब गर्म जल का आयतन अधिक होता है और ठंडे जल का आयतन कम होता है, इसलिए गर्म जल की सतह ऊपर उठी होती है और ठंडे जल की सतह नीचे दबी होती है। इसलिए ऊंची सतह से निचली सतह की ओर जल में गति प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए तापमान में विभिन्नता के कारण भी महासागरीय धाराओं में गति उत्पन्न होती है। दूसरा है तापमान में लवणता में भिन्नता। अब लवणता भी सभी सागरीय जल के अंदर समान नहीं पाई जाती, कहीं पर अधिक होती है तो कहीं पर कम पाई जाती, लेकिन लवणता का तापमान से संबंध पाया जाता है कि जिन क्षेत्रों में तापमान जितना अधिक होता है वहाँ पर लवणता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि वाष्पीकरण से संबंध रहता है। तो अब विषुवत रेखा के क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर तापमान की प्राप्ति अधिक होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, लवणता अधिक होती है, तो इसके कारण यहाँ का घनत्व भी अधिक होता है। और ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान कम होते हैं, तापमान कम होते हैं तो लवणता भी कम पाई जाती है। एक खुले सागर बंद सागरों का भी यदि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो खुले सागरों की लवणता कम होती है और बंद सागरों की लवणता अधिक पाई जाती है। तो यदि अपन अटलांटिक महासागर में बात करें तो अटलांटिक महासागर खुले सागर के रूप में महासागर के रूप में है, इसमें रूम सागर एक बंद सागर के रूप में है। तो अटलांटिक महासागर की सतह का जो जल है वो रूम सागर की ओर गति करता है, क्योंकि रूम सागर का सतह की नीचे दबी होती है और अटलांटिक महासागर की सतह का जल ऊपर उठा होता है जिसके कारण गति करने लग जाता है। लेकिन आंतरिक जो नीचे की तली में दबाव अधिक होने के कारण नीचे की ओर भी विपरीत दिशा के अंदर अद्य प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो इस कारण लवणता में भिन्नता के कारण भी महासागरीय जल में गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट तीसरा घनत्व में विभिन्नता। अब जिन भागों के अंदर घनत्व अधिक होता है वहाँ की जल की सतह नीचे दबी हुई होगी और जहाँ पर घनत्व कम होता है वहाँ की जल की सतह ऊपर उठी होगी, स्वतः ही जल ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर गति करने लग जाता है। लेकिन विपरीत तली के अंदर यदि अपन देखते हैं, विपरीत गहराई की ओर देखते हैं तो दबाव अधिक होने के कारण विपरीत दिशा में भी जल अधर प्रवाह की ओर गति करने लग जाता है। तो इसके कारण भी महासागरीय जल के अंदर गति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा जो कारक है वो बाह्य सागरीय कारक है। इसमें वायुदाब तथा हवाओं को लिया गया है। अब वायुदाब का अध्ययन भी अपन कर चुके हैं कि वायुदाब भी सभी जगह पर समान नहीं पाया जाता, कहीं पर अधिक होता है तो कहीं पर कम होता है। तो जिन भागों में दाब अधिक होता है वहाँ जल की सतह नीचे दबी होगी और जहाँ पर वायुदाब कम होता है वहाँ की जल की सतह ऊपर उठी होगी, तो स्वतः ही जल ऊपरी सतह से नीचे सतह की ओर गति करने लग जाता है। लेकिन दबाव के कारण यदि गहराई की ओर अध्ययन करते हैं तो दबाव के कारण जहाँ पर दाब अधिक होता है वहाँ का नीचे के सतह का जल अध प्रवाह के रूप में कम वायुदाब की क्षेत्र की ओर गति करने लग जाता है। तो इस प्रकार से जल के अंदर गति प्रारंभ हो जाती है। हवाओं को भी यदि अपने स्थायी जो पौने होते हैं, प्रचलित पौने होते हैं, स्थानीय सनातनी जो पौने बोलते हैं, इनके कारण भी सागरीय जल के अंदर गति प्रारंभ होती है। जैसे कि विषुवत रेखा की जो धाराएं होती हैं वो व्यापारिक पौनों से प्रवाहित होकर के गति करती हैं और उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट हैं या प्रशांत महासागरीय जो ड्रिफ्ट हैं यहाँ पर पछुआ पौनों से जल प्रवाहित होकर के पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करने लग जाता है। तो इसके कारण हवाएं भी अपन कह सकते हैं कि महासागरीय जल को गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट कारण है वाष्पीकरण तथा वर्षा। अब जिन भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ की सतह नीची हो जाती है और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर अतिरिक्त जल आ जाता है तो सतह ऊपर उठ जाती है। अब ऊपरी सतह का जो जल है वो नीचे सतह की ओर क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। इसके कारण भी धाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो ये धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक भी होते हैं। तो तट की दिशा तथा आकार। अब तट की दिशा जो आकार है, यदि धाराओं के लंबवत रूप में पाए जाते हैं स्थलीय भाग या महाद्वीप विभाग पाए जाते हैं तो धाराएं उन अवरोध उनसे टकराती हैं, टकराने के कारण सागरी जल विभाजित हो जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि विषुवत रेखा की जो धारा है वो ब्राजील तट से टकराने पर
दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर जाती है जो खाड़ी की धारा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चलने लगती है, तथा दूसरी जो शाखा है वो दक्षिणी ब्राज़ील धारा के नाम से ब्राज़ील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलती है। तो इसी प्रकार से हिंद महासागर में मानसून धाराएं भी भारतीय तट के अनुरूप ही प्रवाहित होती हैं। दूसरा जो कारक है तलीय आकृति। अब ये तलीय जो आकृति होती हैं तो महासागरीय भागों के अंदर अंतरसागरीय कटक पाए जाते हैं और ये कटक भी धाराओं को प्रवाहित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो स्कॉटलैंड के पास विविल टॉमसन कटक को पार करती है तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसी तरह विश्वतरे की धारा मध्य अटलांटिक कटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो जो तलीय जो आकृतियाँ होती हैं वो भी महासागरीय धाराओं की दिशा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तीसरा जो है मौसमी परिवर्तन। अब ये मौसमी परिवर्तन जो होता है विशेष रूप से हिंद महासागर की धाराओं पर अधिक लागू होता है। अब वहाँ पर जो मानसूनी जो पवनें चलती हैं 6 महीने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं, तो जब शीत ऋतु होती है तो उसमें उत्तर पूर्वी मानसून के समय मानसूनी धाराओं के तट के सारे दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय धाराओं की जो दिशा होती है वो बदल करके उत्तर पूर्व हो जाती है। चौथा जो कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का जो मार्ग प्राय गोलाकार चक्राकार रूप में हो जाता है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब इसके बाद में आंध्र महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी विश्वतरे की धारा, दक्षिणी विश्वतरे की धारा, प्रति विश्वतरे की धारा, गल्फ स्ट्रीम अखाड़ी की धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा, बेंगुला धारा, इसमें पाया जाता है सार्गेसो सागर। अब उत्तरी विश्वतरे की जो धारा है आंध्र महासागर की धाराओं का अपन अध्ययन करेंगे। तो आंध्र महासागर के अंदर पहली जो है उत्तरी विश्वतरे की धारा है और ये उत्तरी विश्वतरे की जो धारा होती है 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य विकसित होती है। अब ये कहा जाता है, इसके दो कारक अनुमान लगाए जाते हैं कि जो कनारी की जो धारा है यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रवाहित होती है, तो इस कनारी धारा के दबाव के कारण भी उत्तरी विश्वतरे खा का जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है उसके कारण भी सागरीय जल पृथ्वी का साथ नहीं देता है और वो पीछे की ओर गति करने लग जाता है, तो उसके कारण भी उत्तरी विश्वतरे की धारा की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये उत्तरी विश्वतरे की जो धारा है आगे जा करके ये फ्लोरिडा धारा के नाम से जानी जाती है और इसके बाद में ये यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के रूप में जानी जाएगी। तो दूसरी जो धारा है वो अपन दक्षिणी विश्वतरे की धारा की बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और इसका जो अक्षांश विस्तार होता है 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है, उत्तरी विश्वतरे की धारा की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है। अब इसमें भी ये बेंगुला जो धारा है अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये उत्पन्न होती है, माना जाता है कि इसके दबाव के कारण ये विश्वतरे के दक्षिणी विश्वतरे के क्षेत्र का जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है, लेकिन पृथ्वी की परिभ्रमण गति का कारक भी प्रभावी हो सकता है। तो ये दक्षिणी विश्वतरे की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के मध्य प्रवाहित होती है। अब इनके मध्य प्रवाहित होने के बाद में ब्राज़ील तट है यहाँ पर, तो इस ब्राज़ील तट से टकराती है,
टकराने के कारण ये दो शाखाएं हो जाती हैं, एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है जो खाड़ी की धारा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो शाखा है वो दक्षिण की ओर ब्राज़ील तट के सहारे प्रवाहित होती है जिसको ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। तो चौथे नंबर पर अपन गल्फ स्ट्रीम धारा, खाड़ी की धारा की बात करते हैं, तो ये जो धारा है 20 डिग्री यहाँ पर पाई जाती है, ये धारा गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, तो यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से लेकर उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पर पश्चिमी यूरोप तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसको मैक्सिको खाड़ी भी कह सकते हैं, खाड़ी की धारा के मैक्सिको की खाड़ी की धारा भी कह सकते हैं, खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धाराक्रम होता है, इसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, फ्लोरिडा धारा। अब ये फ्लोरिडा जो धारा होती है वो जलडमरू मध्य से लेकर के हेट्रस अंतरिप के बीच, तो उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम, ये हेट्रस अंतरिप से लेकर के ग्रांड बैंक के बीच, उसके बाद में उत्तरी अटलांटिक धारा कह सकते हो, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कह सकते हो, ये ग्रांड बैंक के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपियन तट तक प्रवाहित होती है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोपियन तट तक ही प्रवाहित होती है, और ये किसके नाम से जानी जाती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कह सकते हो, क्योंकि ये पछुआ पवन के वेग से प्रेरित होती है इसलिए इसको, और इसका सतह का जल अधिक प्रवाहित होता है इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कह सकते हो। अब इसके बाद में ये जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र से बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू से यहाँ पर लेब्राडोर धारा आ रही है। अब ये लेब्राडोर धारा यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के तट के पास आपस में अभिसरित होती हैं, तो आपस में जब अभिसरित होती हैं तो यहाँ पर तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पर कोहरा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये कोहरा जब उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर जलयानों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, लेकिन एक दृष्टि से लाभकारी होता है कि यहाँ पर ये ग्रांड जो बैंक है यहाँ पर मछली के खाने योग्य जो वनस्पति होती है प्लैंकटन, उसकी प्रचुरता उत्पन्न हो जाती है, तो इस कारण ये यहाँ पर लाभकारी होती है। इसके बाद में अपन कनारी धारा का अध्ययन करते हैं, ये कनारी धारा है अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, तो ये कनारी जो धारा है अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप पड़ के बीच प्रवाहित होती है। अब ये कनारी जो धारा है उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है, क्योंकि एक भाग तो उत्तर की ओर चला जाता है और एक भाग नीचे की ओर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर गति करने लग जाता है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक क्रम है, तो ये यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग पश्चिमी यूरोप के तट पर जा रहा है और दूसरा भाग विभाजित होकर के यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आ रहा है। तो यहाँ पर इस स्थान की मतलब जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है व्यापारी पवन के कारण, तो इसकी पूर्ति नीचे की जल से होती है, नीचे का जल कैसा होता है, ठंडा होता है, इस कारण यहाँ पर कनारी धारा की उत्पत्ति होती है, तो ये कनारी धारा है। इसके बाद में अपन लेब्राडोर धारा का अध्ययन करते हैं, तो लेब्राडोर धारा एक ठंडी धारा है जो बेफिन की खाड़ी से लेकर के बेफिन खाड़ी और डेविस जलडमरू से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड का जो तट है यहाँ पर तक प्रवाहित होती है, और यहाँ पर वही गल्फ स्ट्रीम से मिलने के कारण तापीय व्युत्क्रमणता, तापीय विलोमता या ताप प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो कोहरा की स्थिति उत्पन्न होती है, वो जलयान के संचालन में क्या होती है, बाधक हो जाती है। इसके बाद में अपन ब्राज़ील धारा का अध्ययन करते हैं, ये ब्राज़ील धारा वो दक्षिणी विषुवतरेखा के धारा का एक भाग है, क्योंकि अब ब्राज़ील तट से टकराने के बाद में दक्षिणी विषुवतरेखा एक तो उत्तर की ओर चली गई है जो खाड़ी की धारा के नाम से,
और एक ब्राज़ील तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर इसको ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्राज़ील धारा 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर आती है, तो पछुआ पवनों से प्रेरित होकर के यहाँ का जो सागरीय जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है। तो अब यहाँ पर इसको दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का जो जल है वो अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है और उस दक्षिणी छोर के पश्चिमी तट से टकराकर ये उत्तर की ओर गति करता है, तो यहाँ पर इसको बेंगुला धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बेंगुला धारा। ये भी माना जाता है कि बेंगुला धारा के प्रबल प्रवाह के कारण ही दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दबाव डालती है, दबाव डालने के कारण ये विषुवतरेखीय जो क्षेत्र का जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर फाकलैंड धारा है। अब ये जो फाकलैंड जो धारा है ये अंटार्कटिका का सागर का जो ठंडा जल है वो फाकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसका अधिकतम जो विस्तार होता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर की धाराएं होती हैं। और यहाँ पर एक सार्गासो सागर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सार्गासो सागर। अब ये सार्गासो जो सागर है इसमें विषुवतरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, विषुवतरेखीय धारा, ये विषुवतरेखीय धारा है और ये गल्फ स्ट्रीम है और यहाँ पर कनारी धारा है द्वारा एक प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है। तो इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सार्गासम घास फैली रहती है, और इस भाग को सार्गासो सागर कहा जाता है। सार्गासो पार्तुगीज भाषा के सार्गासम शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है सागरी घास। तो सार्गासो सागर का जो विस्तार होता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। तो ये सार्गासो एक प्रकार की वनस्पति होती है, लेकिन ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि जड़ विहीन होती है। क्या होती है? जड़ विहीन होती है, इसके कोई जड़ नहीं होती है, स्वतः ही उत्पन्न होती है। तो सार्गासो सागर के अंदर अन्य जल का मिश्रण नहीं होता है और यहाँ पर लवणता भी 37 ग्राम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 37 ग्राम पाई जाती है। तो यहाँ पर उच्च तापमान और अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। तो ये हैं, आपने अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी। तो मैं आपको ये बात निर्दिष्ट तौर करना चाहूँगा कि जो गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में कई प्रश्न पूछा जाता है, तो आप विशेष रूप से ये ध्यान में रखें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं वो तो ठंडी धाराएं होंगी, और जो विषुवत रेखा के क्षेत्र के पास से उत्पन्न होती हैं वो कैसी होंगी? गर्म धाराएँ होंगी। तो ये अपन आज अटलांटिक महासागर की धाराओं का अध्ययन किए। इसके बाद में प्रशांत महासागर की धाराएं आती हैं। तो प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं विशेष रूप से उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा, क्यूरोसियो तंत्र, आयोसियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू धारा, एल नीनो या ला नीनो धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह। तो ये हिंद महासागर की धाराएं हैं, सॉरी प्रशांत महासागर की धाराएं। अब जिस प्रकार से आपने अटलांटिक महासागर की धाराओं का अध्ययन किया है उसी प्रकार से प्रशांत महासागर की धाराएं पाई जाती हैं। केवल इनके नामांकन में अंतर है, बल्कि उत्पन्न होने का जो कारण है वो लगभग समान है। तो उसी
केवल इनके नाम में ही विभिन्नता है, बल्कि जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर की धाराओं का आपने अध्ययन किया है उसी प्रकार से प्रशांत महासागर की धाराएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले वो ही अपने प्रशांत महासागर की धाराएं में उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा का अध्ययन करते हैं। तो अब ये उत्तरी विषुवतरेखीय की जो धारा होती है, अब ये जो धारा है यहाँ पर मैक्सिको की तट से प्रारंभ होकर के पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हुई लगभग 7500 सागरीय मील की दूरी तय करने के बाद फिलीपाइन तट तक पहुंचती है। कहाँ पर पहुंचती है? फिलीपाइन तट तक पहुंचती है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के और यहाँ पर पहुंचती है। कितनी दूरी तय करती है? 7500 सागरीय मील की दूरी तय करती है। कहाँ पर पहुँचती है? फिलीपाइन तट पर पहुँचती है। तो ये उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है। कौन सी धारा है? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है। अब ये उत्तरी विषुवतरेखीय जो धारा है यहाँ पर ये कैलिफोर्निया धारा है। अटलांटिक महासागर के अंदर यहाँ पर कनारी धारा थी और यहाँ पर कौन सी है? कैलिफोर्निया धारा। तो यहाँ पर ये कैलिफोर्निया जो धारा है इसके दबाव के कारण भी ये उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा वो ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो सागरीय जल पीछे की ओर छूट जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है, उसके कारण भी उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा की क्या होती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो ये उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा है। इसके बाद में यहाँ पर ये दक्षिणी विषुवतरेखीय की धारा है। कौन सी धारा है? दक्षिणी विषुवतरेखीय की धारा है। अब दक्षिणी विषुवतरेखीय की धारा भी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होकर यह धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अब इसमें मेरा मानना है कि पेरू धारा का दबाव भी उत्पन्न होता है। चलो व्यापारिक पवन भी कह सकते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी यह धारा उत्पन्न होती है। तो लेकिन उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा की अपेक्षा दक्षिणी विषुवतरेखीय की जो धारा होती है वो अधिक प्रबल होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। तो दक्षिणी विषुवतरेखीय की जो धारा है ये अफ्रीका के तट से टकराती है और अफ्रीका के तट से टकरा करके इसकी एक जो शाखा है उत्तर की ओर चली जाती है और दूसरी जो शाखा है वो दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के मध्य प्रति विषुवतरेखीय धारा पाई जाती है। तो ये प्रति विषुवतरेखीय जो धारा की जो उत्पत्ति होती है, तो ये प्रति विषुवतरेखीय धारा इनकी विपरीत गति करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और ये जो माना जाता है कि यहाँ पर उत्तरी विषुवतरेखीय धारा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के कारण जल का संचयन हो गया, व्यापारिक पवन के कारण पश्चिमी भाग में जल का संचयन होने से ये जल पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने लग जाता है, इस कारण इसको प्रति विषुवतरेखीय धारा कहा जाता है। लेकिन ये पश्चिमी क्षेत्र में तो कम स्पष्ट दिखाई देती है और पूर्वी क्षेत्र में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जैसे गल्फ स्ट्रीम का तंत्र था उसी प्रकार से क्यूरोसिया का एक तंत्र बनता है। तो ये क्यूरोसिया जो धारा है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा फिलीपाइंस के पास दाहिने ओर मुड़कर उत्तर की ओर उन्मुख होकर क्यूरोसिया धारा को जन्म देती है। अब उसके बाद में यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रभाव पाया जाता है। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो प्रभाव है ये पछुआ पवनों के कारण ही प्रभावित होता है। यहाँ पर सतह का जो जल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने लग जाता है। तो इसी से जुड़ी हुई एक सुसीमा धारा है। तो इस क्यूरोसिया का एक जो भाग है वो जापान सागर में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? जापान सागर में। तो जापान सागर के अंदर इसको क्या कहा जाता है? सुसीमा धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार जैसे अटलांटिक महासागर के अंदर लेब्राडोर ठंडी धारा थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आयोसियोक धारा कह सकते हैं इसको, क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं।
तो ये जो धारा है यहाँ पर बेरिंग सागर है, इस बेरिंग सागर जल डमरू से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके कारण आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये क्यूरोसो की गर्म धारा से मिलती है। मिलने पर यहाँ पर तापीय विलोमता की स्थिति होती है, तापीय व्यतिक्रमता भी कहते हैं। इसके कारण यहाँ पर कोहरा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोहरा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जलयान जो होते हैं उन आवागमन में कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर वही मछली के खाने योग्य जो प्लैंकटन जो वनस्पति होती है वो भी अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, इस कारण यहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो ये ओयस्टियो धारा हो गई। इसके बाद में कैलिफोर्निया धारा। अब ये कैलिफोर्निया जो धारा है ठंडी धारा है, अटलांटिक महासागर में कनारी धारा के समान ही, मैंने पहले बता दिया। अब यह धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा का ही बढ़ा हुआ भाग है। ये उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागरीय पद जो है प्रवाह है ड्रिफ्ट, इसका ही एक दक्षिण की ओर आ जाती है, एक उत्तर की ओर चली जाती है। तो उत्तर की ओर अलास्का के क्षेत्र में जाती है तो अलास्का धारा के नाम से जानी जा रही है, और दक्षिण की ओर आती है तो यहाँ पर कैलिफोर्निया का जो तट है उसके पास प्रवाहित होती है तो कैलिफोर्निया धारा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ का जो जल है ये, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनों के कारण सतह का जल आगे की ओर बढ़ जाता है और उसकी पूर्ति नीचे के जल से होती है, वो जल ठंडा होता है, इसके कारण यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास भी ठंडी धारा की उत्पत्ति होती है। तो ये कैलिफोर्निया धारा है। इसके बाद में पेरू धारा। अब ये पेरू जो धारा है इसका उपनाम हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज की थी, इसलिए वर्तमान में इसको हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ठंडी धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। तट के पास इसे पेरू तटीय धारा और तट से दूर पेरू महासागरीय धारा भी कहते हैं। इस धारा की चौड़ाई में विस्तार बहुत अधिक होता है, लगभग 100 मील के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका तापमान लवणता दोनों कम होते हैं। तो पेरू धारा है। इसके बाद में अल नीनो और ला नीनो की बात करेंगे। अल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो धारा होती है ये माना जाता है कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में इस तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है? यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका विस्तार 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक रहता है। कितने डिग्री से? 3 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री दक्षिण तक रहता है। शरद काल में विषुवत रेखीय विपरीत धारा, शीत ऋतु के अंदर विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है तथा अल नीनो को जन्म दे देती है। तो कौन सी धारा? दक्षिणी विषुवत रेखीय विपरीत धारा किधर खिसक जाती है? दक्षिण की ओर खिसक जाती है। किसको जन्म देती है? अल नीनो को जन्म। अब इस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। तापमान सामान्य से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अल नीनो गर्म जल धारा है जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो अब इस स्थिति के अंदर वर्षा की स्थिति में जब लोगों को ज्ञान नहीं था कि इसके कारण इस प्रकार से होता है, तो वर्षा की स्थिति में पेरू के लोग आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर हमें वर्षा दीजिए तथा सूखे को भगाइए। परंतु जब उन्हें पता चल गया कि अल नीनो के प्रबल होने से, अतिवृष्टि होने से सागरीय जीव का विनाश होता है, खासकर प्लैंकटन अदृश्य हो जाती है जिससे मछलियाँ मर जाती हैं, दूसरे क्षेत्र की ओर चली जाती है, तो मत्स्य उद्योग को क्या होती है? भारी क्षति उठानी पड़ती है।
अब वे इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें वर्षा दीजिए परंतु अल नीनो को भगाइए। तो अब ये अल नीनो का जो सिस्टम है, अल नीनो प्रबल होती है, जिस साल ये अधिक प्रबल होती है उस साल पूर्वी प्रशांत महासागर के पूर्वी उष्ण कटिबंधीय भागों में जलवृष्टि में औसत से 4 से 6 गुना वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखी की स्थिति आ जाती है, जिस कारण इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश इत्यादि सूखे की चपेट में आ जाते हैं। तो 1997-98 में इंडोनेशिया के वनों में लगी भीषण आग की घटना को भी अल नीनो के कारण जनित सूखे का प्रतिफल बताया गया है। अब इसी के विपरीत एक ला नीनो भी एक प्रतिसागरीय धारा है, इसका आविर्भाव भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब अल नीनो समाप्त हो जाती है तो ला नीनो उत्पन्न होती है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला नीनो बदल देती, आर्द्र मौसम को जन्म देती है, इसके कारण वर्षा होती है। ला नीनो के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जलवर्षा होती। तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है और ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। तो ये ला नीनो 1998 में विकसित हुई थी जिसके कारण भारत बांग्लादेश में प्रचंड बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस प्रकार से ला नीनो अल नीनो धारा है। इसके बाद में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा आती है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है दक्षिणी विश्वतरे की धारा का ही एक भाग है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है, जिस कारण इस धारा द्वारा न्यूजीलैंड भी घिरा होता है। तो ये एक तरह से गर्म धारा ही होती है, ऑस्ट्रेलिया धारा है। अब इसके बाद में पछुआ पवन प्रवाह होता है, ये पछुआ पवन प्रवाह है। तो पछुआ पवनों के वेग से प्रेरित होकर के सागरीय जल पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली मुख्य धाराएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हिंद महासागर की धाराएं पाई जाती हैं, उनमें उत्तर पूर्वी मानसून धारा है, सर्द काल में होती है, विपरीत धारा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है, दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा है, सॉरी विश्वतरेखीय धारा मोजाम्बिक की अग्लवास धारा है, पछुआ पवन प्रवाह है। तो उत्तर पूर्वी मानसून धारा ये शरद काल में उत्पन्न होती है। कब होती है? शरद काल में। अब ये उत्तर पूर्वी जो मानसून है उस समय स्थले भाग पर वायदावधिक होता है, इसके कारण पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो इसके कारण प्रशांत महासागरीय जो जल है वो तट के सारे सारे होता हुआ पश्चिम की ओर गति करता है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून धारा है। इसके बाद में विपरीत धारा होती है। कौन सी होती है? विपरीत धारा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के समय एक विपरीत धारा का निर्माण होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के समय क्या होता है? एक विपरीत धारा का निर्माण होता है और 2 से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यहाँ पर जंजीबार और सुमात्रा द्वीप हैं, इनके बीच में प्रवाहित होती है। इसके बाद में तीसरी जो धारा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है। अब ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून धारा है इसमें क्या होता है कि
भारतीय जो प्रायद्वीप या दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो पार्ट होता है यहाँ पर निम्न वायु दाब बन जाता है और सागरीय भागों पर क्या होता है उच्च दाब होता है। इसके कारण पवन की जो दिशा होती है परिवर्तित हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है। अब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तट के सारे सारे प्रवाहित होती है, तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धारा के नाम से जाना जाता है और इसके कारण दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर ग्रीष्मकाल में क्या होती है वर्षा होती है। इसके बाद में विश्वतरेखी जो धारा है, अब ये विश्वतरेखी धारा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य, अफ्रीका ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया के तट है, इसके मध्य 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिणी विश्वतरेखी धारा कहते हैं। यह धारा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती हुई, कहाँ पर, यहाँ पर मेडागास्कर से टकराती हुई, मेडागास्कर से टकराती हुई दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा मेडागास्कर के पश्चिमी प्रवाहित होती है जहाँ पर मोजाम्बिक चैनल होता है, इसको यहाँ पर मोजाम्बिक धारा कहते हैं। आगे जाकर के ये दोनों एक धारा के रूप में मिल जाते हैं जिसे अग्लोवास धारा कहा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ जाता है, पश्चिमी पवन प्रवाह, तो ये पछुआ पवनों से यहाँ का सागरीय जल प्रेरित होकर के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करने लग जाता है और यहाँ पर पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया धारा। तो ये जो पश्चिमी पवन प्रवाह ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा करके ये दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है, किधर हो जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये ठंडी धारा की उत्पत्ति होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी जो भाग होता है यहाँ पर मरुस्थली भाग पाया जाता है क्योंकि ठंडी धारा होने के कारण पश्चिमी भाग में यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से आपने सुना, धन्यवाद।